ये देखो, वाह, अब हमारी फेंटा मैगी बनने जा रही है। तो भैया ऐसा मतलब आपने कैसे सोचा फेंटा मैगी बनाने का? ये हम एक बार अपने घर पे ही बना रहे थे, मैगी खा रहे थे। अच्छा, तो उसमें हमने थोड़ा फेंटा मिला दिया। अच्छा, तो फ्लेवर अच्छा लगा इसलिए बनाने लगे। तो कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गए। तो भाई ये अंकल जी का पैन है। तो भैया पहले क्या डालते हो सबसे पहले? मक्खन। मक्खन, ये कौन सा मक्खन है? अमूल। अरे वाह क्या बात है, अमूल मक्खन में बनेगी भाई ये मैगी। ये देखो भाई, आग भी लगा देते हैं मतलब। अब इसमें तड़का मारेंगे। तड़का मारोगे? ये किस चीज का तड़का है? प्याज, टमाटर और अच्छा मतलब मिक्स है सारा। तो भाई अमूल मक्खन में फ्राई हो रहे हैं, तो भाई जो इनकी खुशबू है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। ये देखो क्या बात है। अब इसमें फेंटा डालेंगे। भाई ये देखो भाई, फेंटा मतलब सही मजाक तो नहीं कर रहे ना कहीं? नहीं नहीं नहीं, भाई फेंटा डाल रहे हैं भैया। ये देखो, वाह, ओ भाई साहब क्या बात है, देख सकते हो भाई फेंटा डाल चुके हैं। तो भाई यहाँ पर देखो फेंटा उबल रही है। यहाँ पर देखो मेरे को मरीन फेंटा की जो खुशबू आ रही है ना, ऑरेंज वाली, बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और ये देखो भाई खोलते हुए फेंटा मैंने पहली बार देखे, मैं ठंडी पीते हैं लोग पर ये पहली बार देखे। तो ये देखो मैगी डल रही है भाई, मैगी का पैकेट दो अंकल जी पहले एक बार आप। ये देखो भाई असली में मैगी डल रही है, ये देखो, और ये डाल रहे हैं। क्या बात है भाई साहब। भाई आप कमेंट करके बताओ कभी आपने फेंटा वाली मैगी मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में ही नहीं खाई होगी किसी ने। तो ये डाल रहे हैं भैया मसाला, ये मैगी मसाला ही है ना जो अंदर आता है उसके साथ? मैगी मसाला। ये देखो भाई साहब क्या बात है। फिर अलग से मसाला डालेंगे। अच्छा अलग से भी मसाले डालेंगे? कौन कौन से मसाले हैं ये? पिसी हुई धनिया है। पिसी हुई धनिया है। पिसी हुई मिर्च है। मिर्च। ये मिक्स मसाला है। मिक्स मसाला। आमचूर है। आमचूर। नमक। भाई नमक भी आ गया। और हल्दी। और हल्दी आएगी। हल्दी मतलब कलर के लिए आएगी है ना? आप भी खाते हो या नहीं खाते? हाँ, हम भी खाते हैं। खाते हो ना? तो भाई ये चेक कर सकते हो कितनी गजब लग रही है, मतलब खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और इसके आगे भी प्रोसीजर है, तो वीडियो में बने रहो, भी दिखाते हैं आगे क्या होगा। तो भाई यहाँ पर ये बन रही है। तो भैया कितना टाइम लगेगा अभी? 5 मिनट। 5 मिनट लगेंगे। ये देखो अब ये पानी मतलब फेंटा पूरी अभी ये सोख लेगी मैगी, और फिर देखना जो टेस्ट आएगा। मैं पहली बार खा रहा हूँ भाई। तो भाई कलर चेक कर सकते हो आप मैगी का, ऑरेंज ऑरेंज एकदम, मतलब जो जिस कलर की फेंटा होती है ना उस कलर का देखो ये आ रहा है टेक्सचर। और इसका रेट बता दो एक बार आप। हाफ है 50 के, फुल है 80 के। अच्छा भाई हाफ है 50 की, मतलब 50 में सिंगल पीस होता है मैगी का और फुल में डबल पीस आ जाता है। तो भाई ये देखो बस बनने वाली है मैगी अपनी। कितना टाइम और लगेगा? बस 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे भाई। मैगी चेक कर सकते हो टेक्सचर, मतलब खट्टी मीठी से खुशबू अभी भी आ रही है मेरे को। तो फाइनली मैगी तैयार हो चुकी है भैया? हाँ मैं तैयार हो चुकी है। तैयार हो चुकी है, तो अपनी प्लेट में डलवाते हैं मैगी और फिर टेस्ट करके भी दिखाते हैं। तो भाई ये अपनी मैगी आ चुकी है, आप कलर देख सकते हो, नॉर्मल मैगी से तो अलग है, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर है। ओए होए होए होए, ये देखो क्या बात है। और सूपी सूपी नूडल्स है भाई, मतलब मजा आने वाला है अंकल जी बिल्कुल। तो भाई अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो अभी और क्या क्या डलेगा इसमें? चाट मसाला डालेंगे। तो भाई चाट मसाला डल रहा है इसके अंदर, क्या बात है। और भी कुछ डलेगा? नींबू। क्या बात है, मतलब खट्टा मीठा फ्लेवर आने वाला है पूरा। ये देखो भाई नींबू। भाई जो मैगी है मतलब उसमें पता क्या फ्लेवर आ रहा है, फेंटा का भी आ रहा है, मतलब खट्टा मीठा टाइप सा आ रहा है, मतलब